गाजियाबाद से आरबी शर्मा जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। हकीम साहब को ज्यादा वर्ष है। जय हिंद सर, बताइए। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपने कुछ चीजें नई याद की है अभी। जी। मेरे को 1.5 साल से पेशाब की नली लगी हुई है, मेरे को बंद लग गया था पेशाब का। अच्छा, तो मैं ये मालूम करना चाहता हूँ आपसे, जैसे आपने भी निकाला है नमक जैतून निकाला है, नमक कलौंजी है। हेलो सर नमस्कार। जी गौन मोरिंगा है, गौन मोरिंगा, गौन तिलगोजा, सिरका जैतून, सिरका एलोवेरा, सिरका कलौंजी, तो इसमें से क्या चीज मेरे को फायदेमंद हो सकती है जो मेरी नली निकल छूट जाए। ठीक। और देखिए, एक तो जिन लोगों को भी पेशाब का बंद लगता है वो याद रखें कि उनको ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और एक दिन में 3 लीटर पानी पीना अनिवार्य है। और नमक जैतून लें आप, और एक एक इलायची, छोटी वाली इलायची, हरी इलायची जिसे कहते हैं, एक या दो चुटकी नमक जैतून और एक छोटी इलायची, ये आप खाएं। खाने से पहले या बाद में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दिन में 2 टाइम लें, एक छोटी इलायची और एक या 2 चुटकी नमक जैतून, और फिर आप कोशिश करें कि नली निकल जाए। इससे आपको तेज़ पेशाब आएगा, और जो वर्म और सूजन और दूसरी परेशानियां होती हैं पेशाब के रास्ते को जो अवरुद्ध करती हैं, ये उसके लिए अच्छी दवा हो सकती है। आप इसे इस्तेमाल करके हमारे कांटेक्ट में रहें, बताते रहिए, नमक जैतून आप ले सकते हैं। तो बिल्कुल आरवी शर्मा जी, आप अच्छे हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे, लेकिन आप ये नुस्खा अपना लीजिएगा जो हकीम साहब ने अभी आपको बताया है। अगर आप एक बार अपनी रिपोर्ट भी हमें शेयर कर देंगे, आपको शेयर करने का तरीका मैं यहाँ पे बता देती हूँ। आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिएगा, जहाँ से आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, वहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट हमें शेयर कर दीजिएगा, जिससे और अच्छे से हम आपको ट्रीटमेंट बता सकें। लेकिन जो नुस्खे अभी हकीम साहब ने बताया है वो ज़रूर आप अपनाइएगा, क्या पता आपको इसी से लाभ मिल जाए। दर्शकों, अगर आप लोगों की कॉल भी कार्यक्रम में नहीं लग पाती है तो आप उसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपकी बात होती है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम से। बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी। नमस्कार, आदाब। क्या नाम है? राबिया। राबिया जी बताइए, सवाल क्या है? मेरे पूरे शरीर में हड्डियों में दर्द रहता है, मेरे गेंद बढ़ती है, सांस बढ़ता है, दर्द रहता है, सांस चढ़ता है, बढ़ता है सांस, हाँ, गेंद बढ़ती है, कब्जी रहती है। आपकी उम्र कितनी है? 40। ठीक है, 40 साल जी। अच्छा देखिए, सबसे पहले 2 चीज़ों का इलाज करें, दर्द का और कब्ज का। अब वो करना कैसे, आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी, इन सबको 100-100 ग्राम खरीद लें। फिर से बोलता हूँ, कभी आप लिखने से रह गए हों। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये सब चीज़ें 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें। अब आपको इस्तेमाल कैसे करना है। एक आता है गौन स्याह, जिसे काला गौन कहते हैं, और वो अलग से पाउडर बना के रखें। और एक आता है नमक जैतून, ये पाउडर के रूप में आता है, असली लें, दोनों चीज़ें नकली बहुत मिलती हैं। इनको ये पाउडर ही सूरत में है, जैसे पिसावा नमक होता है ऐसा होता है, लेकिन ये नमकीन नहीं होता जायके में।
ये जो आपने पाउडर बनाया था सौंफ सौंठ वाला, ये एक चम्मच लेना है, छोटा चाय का चम्मच भर के, और इसमें दो चुटकी गौंदस्या मिलाएं और दो चुटकी नमक जैतून मिलाएं। ये आप रोज़ाना खाने के बाद आप खाया करें, पानी से लें या बग़ैर चर्बी के दूध से लें। इससे आपके दो तीन रोग अच्छे होना मुमकिन है, एक तो दर्द, एक कब्ज़, एसिडिटी, बवासीर और बहुत से मर्ज़, और फिर कोई रोग बचे तो फिर इसको फ़ायदा पहुंचाने के बाद आप दोबारा से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ रेशमा है। रेशमा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? यूपी अमरोहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका सवाल क्या है? आपकी उम्र कितनी है? मैम मेरी तो 40 है। ठीक है। मैंने हस्बैंड के लिए मंगवाया था, ये जैतून का सिरका मंगवाया, मेरा आज ही आया। ठीक है। और ये नमक भी मंगवाया, जैतून का नमक। ठीक है। तो ये हस्बैंड को ऐसे शुगर भी नहीं है, बस ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहा है, तो डॉक्टर साहब से ये मालूम कर लो कि कैसे कैसे वो देना है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि मैम मैं ये गौंदस्या ले रही हूँ, तो उससे वो मेरे 4 हो गए, अभी आधा खत्म हुआ है, आधा है अभी। तो वैसे तो मेरे मेरी रीढ़ की हड्डी में जहाँ मैं बैठती हूँ, जहाँ से शुरू होती है, वहाँ से वहाँ दर्द था। ठीक है। अब वहाँ पे दर्द है तो कम की चलती फिरती हूँ तो कुछ नहीं है, वैसे मेरे पिंडलियों में भी रह, पिंडलियों भी खत्म है, तो हल्का मेरे घोंटों में जैसे जीने पे चढ़ू या वैसे तो घोंटों में, पर बैठने पे मेरी रीढ़ की हड्डी में अब भी दर्द है मैम, जब भी बैठती हूँ जब भी दर्द होता है, वैसे नहीं है बैठने की जगह। ठीक। तो डॉक्टर साहब, हाँ अभी मेरा गोंद है तो डॉक्टर साहब अब मैं इसमें क्या करूँ? ठीक है। आप कम खा रहे हैं शायद गोंद, कितना कितना खा रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं इतना ले रही हूँ, जैसे वो काबली चने होते हैं वाइट वाले, इतना ले रही हूँ सुबह भी और शाम भी दोनों टाइम। अच्छा। और मैंने इस वहाँ पूछा था आपके स्टाफ में से, तो उन्होंने मुझे ये कहते हैं वो अलसी, नू अलसी मैंने वो भूनी, भून के पाउडर बनाया, उसमें मैंने अलसी 1 ली, अरे मैंने वो गोंद थोड़ा सा उसमें घेर के वो मैंने खाया, तो मेरे लीवर पे तो दर्द दुखन सी हुई, लीवर की तो वैसे मरीज जो तेजाब बनता मेरे। ठीक है ठीक है। तो डॉक्टर हाँ देखिए, आप तो ठीक होने के करीब हैं बहुत। ये यूनानी दवा का यही फायदा होता है कि थोड़ा थोड़ा रोजाना फायदा होता है, किसी किसी को सब्र ना हो तो वो छोड़ देता है, आप छोड़िए नहीं, अभी 2 और भी चलेगा आपका। और इसके साथ आप एक एक चुटकी इसमें ये जो नमक जैतून आपने मंगाया है ये खा लिया करें, तो एसिडिटी या कुछ वो नहीं होगा और लीवर भी बड़ा अच्छा रहता है। और अलसी आधा आधा चम्मच लिया करें और एक एक चुटकी नमक जैतून और ये आप अलसी लेते हैं और ये आधा आधा ग्राम गौंदस्या लेना जारी रखें, आप तो बहुत जल्दी अच्छे होने वाले हैं ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और वो आपको वो पहुँच चुका है सिरका, तो वो 2-2 पानी में मिलाकर इस्तेमाल कराइए और फ़ायदा उनको मुमकिन है। तो बिल्कुल रेशमा जी, फ़ायदा हो जाएगा आपके हस्बैंड को, जैसा कि आपके घर पे जैतून का सिरका पहुंच चुका है, जैतून का नमक पहुंच चुका है और आप गौंदस्या का इस्तेमाल कर रही हैं और गौंदस्या से आपको लाभ भी मिल रहा है। तो ऐसे ही आप थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिएगा, मैं बिल्कुल उम्मीद ये कर सकती हूँ कि आप जिन जिन बातों को फॉलो कर रही हैं और जो बातें हकीम साहब ने अभी ये बताई हैं जो आपको आने वाले वक्त में फॉलो करनी है, तो आप बहुत अच्छी हो जाएंगी, आपका दर्द भी कम क्या खत्म हो जाएगा। तो आप संयम रख के नुस्खे जरूर अपना लीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ बिहार से आशीष, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ हेलो मैम, प्रणाम। हकीम साहब को भी बहुत बहुत प्रणाम। जी आदाब, धन्यवाद। हकीम साहब, कल मैंने अपने बच्चे के बारे में बात किया था, लेकिन एक बात हम कहना ही पूछना ही भूल गए आप, हम उसके लिए बात किए थे सर्दी खांसी नजला जुकाम और लैट्रिन सही से नहीं हो पा रहा है,
उसके लिए हकीम साहब आपने बताया था एक नुक्ता, पाकिस्तान उन्नाव अलसी पिपली, ये एक एक चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ खाली पेट और उसमें एक चुटकी नमक जैतून मिला करके लेना है। तो नमक जैतून सुबह शाम भी लेना है क्या? जी सुबह शाम लेना, सुबह शाम लेना है, एक चुटकी या दो चुटकी दे सकते हैं जी। और दूसरा ये है कि सफेद गोंद मोरिंगा हम खिलाना चाहते हैं अपने बच्चे को, क्या खिला सकते हैं और कितना खिलाएं, वो भी सुबह शाम खिलाना है क्या? इसी बच्चे को अगर खिलाना चाह रहे हैं तो अभी मत खिलाइए जी, जी अगर जी, इसी बच्चे को खिलाना चाह रहे हैं तो अभी मत खिलाइए, 2-3 महीने बाद यूज करवाइए। मैम हकीम साहब मेरी बेगम बात करना चाहती है आपसे, बड़ी बेताब है बात करने के लिए। जी जी जी, मेरा आदाब सलाम कहिए, बताइए क्या सवाल है। प्रणाम हकीम सर। आदाब। प्रणाम मैम। जी जी प्रणाम जी। बच्चे के बारे में तो आपको ये बताया है कि मेरा बच्चा 12 साल से है, लेकिन मेरा बच्चा हकीम साहब ये जब शुरू में 4-5 साल का था तब तक मतलब ठीक था, उसके बाद ये 5 साल का हुआ तो इसको लैट्रिन का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, मतलब इतना ज्यादा मतलब कब जैसा बिल्कुल का के बिल्कुल लैट्रिन आता था तो लैट्रिन को दबा लेता था वो, अब पैंट में थोड़ा सा लग जाता था ऐसे ही। एक बार इसी तरह जी 5-6 साल के का हुआ तो 15 दिन तक इसको लैट्रिन नहीं आया, तो हमने इलाज एक बार अपना मैका मेरा इलाहाबाद सर होता है तो वहाँ पर डॉक्टर साहब से दिखाया तो उन्होंने दवा दिया तो दवा ये खाया, उसके बाद में लैट्रिन जो आया ना जैसे कचरा नहीं होता कीचड़ होता है उसी तरह लैट्रिन इसको मतलब 2-3 दिन तक बिल्कुल लगातार लैट्रिन इसको आया, और उसके बाद से कुछ आराम हो गया लेकिन अभी भी 12 साल का हो गया है लेकिन लैट्रिन उसी तरह मतलब पैंट में काट के थोड़ा सा आ जाता है और पैंट में लगा रह जाता है, बताता नहीं है कि मम्मी लैट्रिन मतलब लगा हुआ है या कुछ भी। अब स्कूल जाता है तो थोड़ा सा डर भी बना रहता है कि कहीं पैंट में लैट्रिन नहीं आ जाए या कुछ भी, एक लैट्रिन खुला पूरा आता ही नहीं है इसको, आज 4-5 दिन से इसको लैट्रिन आ भी नहीं रहा है। अब भूख पूरा लगता है, ये नहीं कि भूख में प्रॉब्लम नहीं है, भूख आता ही है इसको, सब कुछ खाता है। क्या खाता है? सब कुछ खाता है। अच्छा अच्छा, और देखिए आप माँ बाप हैं फिक्र करेंगे खूब, और सबसे बड़ी बीमारी जो है इसकी बच्चे की वो सर्द मिजाजी है, जो नज़ला वगैरह रहता है। अच्छा, जिसको भी ये रहता है उसका पेट इम्प्रेस ज़रूर रहता है, तो जैसे ये फ़ायदा इसको बच्चे को शुरू होगा तो पेट सबसे पहले अच्छा होगा। तो ये जो नुस्खा मैंने बताया है उसमें आपके हस्बैंड ने लिख लिया है, उसमें नमक जैतून ज़रूर मिलाना, एक दो चुटकी एक बार या दो बार, और जब ये 5-6 महीने खिलाना है इनको, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उनका पेट भी ठीक रहने लगेगा, और क्योंकि इम्यूनिटी की कमी इसमें बच्चे में हो गई, तो इम्यूनिटी कमी होती तो बार बार खांसी नज़ला बलगम छीके रहती है और फिर सेहत अच्छी नहीं हो पाती और पेट ज़रूर इम्प्रेस रहता है। और ये बेल पत्थर आने लगे ना, पत्थर बेल सभी जानते हैं, बेल पत्थर या पत्थर बेल, तो इसे खूब खिलाया करें। अच्छा, उसका खाने का फ़ायदा जब है जब उसे खाकर खूब पानी पिया जाए, पत्थर बेल खूब खिलाया करें इसे, और कभी कभी ये अरंडी का तेल जो कैस्ट्रॉल ऑयल मेडिकल स्टोर पर मिलता है, 1 चम्मच पिला के पानी पिला दिया तो वो जाकर आंतों को नरम कर देता है। और इसके वो लैट्रिन जाम हो गई थी जब आप कह रही हैं ना, उस वक्त में जब कचरा कचरा निकला था, तो अब वो नौबत नहीं आनी चाहिए। और उसके खाने में अदरक ज़ीरा ये अदरक ज़ीरा लहसुन धनिया खूब होना चाहिए और बहुत आसानी से बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। जी पंजाब से हैं लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। नमस्कार दीदी। जय हिंद, खुश आमदीद। दीदी एक ना भाई है, उसका ना हार्ट बड़ा हुआ है, उसका हार्ट बड़ा हो गया है और साथ में ना उसको ब्लड प्रेशर डाउन रहता है, बीपी लो रहता है, और उसको ना जो हम लहसुन वाला नुस्खा वो दे रहे हैं, उसको दें या ना दें और क्या दें?
ठीक है, जैतून वाला नुस्खा दे सकते हैं उन्हें, और उसमें नमक जैतून भी डालें एक दो चुटकी, तो वो ज़रा तेज़ हो जाएगा, और याद से डालें। और एक आता है चिलगोजे का गोंद, आधा ग्राम रोज़ाना रात को पानी से या दूध से उनको दिया करें, भाई का ठीक होना मुमकिन है। जी।